आज हम एमएस वर्ड की सेटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आप ये सेटिंग सीख लेते हैं तो प्रिंट करने में और एमएस वर्ड में आप प्रिंट करने के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रिंट करते हैं, आपके पास कोई भी फाइल आ जाती है या कोई भी टेक्स्ट आ जाता है या फिर कोई भी आपके पास टाइपिंग आ जाती है, आप टाइपिंग तो कर लेते हैं पर पेज सेटअप में बहुत सारी दिक्कतें ये आती हैं, कोई वर्ड आपका दूसरे पेज पे चला गया और कोई वर्ड आपका साइड में चला गया और सही से नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको पेज की सेटिंग करनी पड़ती है। वो क्या होती है इस वीडियो में हम पूरा प्रॉपर सीखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरा एमएस वर्ड का पूरा पेज सेटअप आपके सामने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड ओपन कर लेंगे। आप एमएस वर्ड कोई भी वर्जन का यूज कर रहे हो, सेम प्रोसेस इसी तरीके से सब वर्जन में होती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जब हमको कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है या कोई भी टाइपिंग करनी होती है तो उसके लिए हमको सबसे पहले पेज लेआउट पर चलना होता है। अब पेज लेआउट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन जो मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, आपकी टाइपिंग और पेज सेटअप और आपकी प्रिंट। प्रिंट में भी अभी हम ऑप्शन आगे आपको बताएंगे किस तरीके से आप प्रिंट करेंगे जिससे आपका प्रॉपर प्रिंट आ सके। तो यहाँ से ये जो बीच में है यहाँ से ओरिएंटेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सामने दिखेंगे, प्रोटेड लैंडस्केप, आपको टाइपिंग करने से पहले ही यहाँ से ये सेट कर लेना है जिसमें आगे आपको प्रिंट करने में प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको प्रोटेड में करना है, यानी अगर आपको पेज खड़े में टाइपिंग करना है या आपको बिल्कुल बेड़े में यानी लेटे में टाइपिंग करना है या आपको कोई प्रोजेक्ट या आपको कोई कुछ भी बनाना हो, तो जिस हिसाब से आपके पेज की टाइपिंग और जिस हिसाब से आपकी डिज़ाइनिंग हो उस हिसाब से आप पेज को सेटअप करेंगे। अब यहाँ से अक्सर क्या होता है, प्रोटेड ही में होती है, तो यहाँ से हम प्रोटेड सिलेक्ट कर लेंगे। अगर देखो लैंडस्केप पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से ये लेटा टाइप से पेज आ जाएगा। जूम आउट करके दिखा देते हैं, ये देखो अगर हम यहीं से प्रोटेड ओपन कर लेते हैं तो आपका जिस हिसाब से खड़े में आ जाता है, तो इसको हम जूम ही करेंगे जिस हिसाब से हमको काम करना होता है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर, यहाँ पे अभी वन नंबर की बात हम करेंगे क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट जो स्टार्टिंग में होता है हमारा, ये दो ऑप्शन पहले हमको सेट करना पड़ता है टाइपिंग या कोई भी डिज़ाइन करने के लिए। अगर आपको सेम प्रिंट भी करना है, कोई भी एमएस वर्ड की आपके पास फाइल आ गई है और आपको प्रिंट करना, अब साइज़ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ढेर सारे साइज़ मिल जाएंगे जो पेपर के होते हैं। अक्सर क्या है जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो A4 साइज़ के पेपर यूज़ हो रहे हैं। अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी पेपर यूज़ कर रहे हों तो A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है, पर अक्सर नॉर्मल सी चीज़ है जो A4 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेपर है, तो यहाँ से हम A4 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब A4 सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से कुछ जो हमको प्रिंट करना है, यहाँ से हम कुछ कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने कुछ देखो चीज़ें पेस्ट कर ली। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पेस्ट की है या आपका कोई भी मैटर हो सकता है दूसरे पेज पे आ सकता है। तो अब पहले वाले ऑप्शन पर हम आएंगे जिसमें लिखा हुआ है मार्जिन। मार्जिन पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से नॉर्मल ऑटोमेटिक लगा ही होता है, अगर आप नैरो पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखो आपका जो साइड का मार्जिन था वो हल्का इसने नैरो में ले लिया और जो हमारे दूसरे पेज का मैटर था वो इसी पेज पर आके सेट हो गया। अब दो पेज नहीं रह गए, एक ही पेज हमारा रह गया। नैरो से ये मतलब होता है कि साइड में जितना भी आपका मार्जिन छूट रहा होता है, ऐसे देख सकते हैं जब आप प्रिंट करेंगे तो कम से कम एक एक इंच का आपका मार्जिन छूट जाता है जो अच्छा लगता है। अगर फुल पेज पर आपका मैटर आ जाए तो बहुत ही बेकार लगेगा, इसीलिए साइड से कभी भी आप प्रिंट करें या टाइपिंग करें एक एक इंच का मार्जिन ज़रूर दें, ऊपर भी है और साइड में भी है नीचे भी है। उसके बाद अगर आपका नहीं आता तो यहाँ से देख सकते हैं आपका मैटर जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप चूज़ करेंगे। आप अगर मैटर ज़्यादा है तो नैरो ही पर यूज़ करेंगे और मैटर अगर कम है तो नॉर्मल पर। ओके, अब बात आती है यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ से ये लाइन यहाँ हुई है, यहाँ से ये यहाँ पर ख़त्म हुई, तो ये एक
राइट साइड यानी सीधे जिसे बोलते हैं, एक बिल्कुल सीधे टाइप से नहीं है। तो इसको सही करने के लिए, जिससे और भी मैटर हमारा बेहतर लगने लगे और प्रिंट करके जब हम कस्टमर को दें या अपने बॉस को दें तो उसको भी अच्छा लगे, हाँ ये एक प्रोफेशनल टाइपिंग वाला यानी MS वर्ड का बिल्कुल मास्टर है। तो उसके लिए हम कंट्रोल ए करेंगे, सिंपल सा है। कंट्रोल ए सबको पता है, और भी वीडियो में हमने बताई है। और यहाँ पर आप होम पर चले जाएंगे, कंट्रोल ए करने के बाद आप होम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से ये दिया होगा जस्टिफाई, सिर्फ आपको सिंपल इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका मैटर कितना बेस्ट हो चुका है, लाइन टू लाइन, साइड टू साइड में अब ये मैटर आपका अच्छा लगने लगा। पहले आपका मैटर कैसे था, कुछ इस तरीके से था, और आपने जब जस्टिफाई यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैटर आपका एक्स्ट्रा हेवी या एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है तो यहाँ से आप इसका साइज, तो जितना हमारा था उतना हम कर सकते हैं। अब इतना तो मेन काम हमारा हो गया पेज सेटिंग का, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। छोटी सी चीज़ें होती हैं, तीन ऑप्शन, जिसको सीखना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप अगर स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, और आपको पेज सेटअप के बारे में नहीं पता है, तो आप मैटर चाहे जितना भी बेस्ट बना लें, जितनी भी अच्छी डिजाइनिंग कर लें, आप जब प्रिंट करने बैठेंगे तो जिसके सामने प्रिंट करेंगे वो ये समझ जाएगा कि आप कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, बस ऐसे ही टेम्परेरी आपने यूज़ किया है या सीखा है। तो उसके लिए आपने इतनी चीज़ें ध्यान में आ गई, आप आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद अब आप बात करते हैं अपने प्रिंट की, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट काम है। हमने सब कुछ कर लिया पर हमको प्रिंट कैसे करेंगे, तो फाइल पर जाएंगे। फाइल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है, लिखा नहीं होता है अगर विंडोज 7 या कहीं पर भी, तो यहाँ पर आएंगे फाइल पर जिसे बोलते हैं, और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक नहीं करना है, सिर्फ हमको माउस लाना है। माउस जैसे ही यहाँ पर लाएंगे, तीन ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। आप अगर प्रिंट पर कर देंगे तो डायरेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर सब कुछ सेटिंग सही है तो डायरेक्ट आपका जैसा आपका यहाँ पर दिख रहा है, अपने पेज सेटअप कर लिया और नेरो सेट कर लिया, जस्टिफाई कर लिया, तो डायरेक्ट आपका सेम वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ से सेंड क्विक डायरेक्ट हो जाता है। पर आई होप कि अगर आपको प्रिंट करना है बेहतर लुक में, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें या कोई भी कहीं पर भी कुछ भी यूज़ करें, तो आप प्रिंट प्रीव्यू पर ही क्लिक करें। इससे मेन काम आपका क्या होता है कि हमको ये प्रीव्यू दिखा देता है कि जैसे हमको प्रिंट करना है सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर प्रीव्यू में दिखाता है। जितना आपका मार्जिन छोटा हुआ है, जितना आपका लेफ्ट राइट साइड जितना भी दिया हुआ है, सामने आपके आ जाता है। यहाँ से भी नॉर्मल नेरो हमने सेट किया था, तो देखो यहाँ पर नेरो ये सेट है। यहाँ से लैंडस्केप रोटेट भी कर सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पेपर का साइज़ भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप इतनी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये थी प्रिंट करने के लिए, समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो कैसी चाहिए, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टॉपिक से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। अब प्रिंट डायरेक्ट आप कर देंगे, यहाँ से आप प्रिंटर चूज़ करेंगे जो भी आपका प्रिंटर लगा हो। यहाँ पर प्रिंटर हमारे पास दो प्रिंटर दिए हुए हैं, आप लेज़र अगर करते हो तो उस पर क्लिक कर लेंगे, या आप जो भी करते हो डायरेक्ट आप प्रिंट कर लेंगे। यहाँ से कॉपी आपको अगर 10-20 जितनी करनी हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या फिर सिलेक्ट करके कीबोर्ड से इसकी कॉपी आप लिख के भी ओके कर सकते हैं। तो ये आपका प्रिंट करने का एक वीडियो थी, जिसमें आपको अच्छी सी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश हमने पूरी की। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।